Hello, dear students, good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आज हम हिंदी में प्रार्थना पत्र के बाद रीड करेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट हिंदी, असाइनमेंट 7, अविकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अविकाश क्या होता है? अविकाश होता है छुट्टी। छुट्टी के हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए हमने प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है? प्रार्थना पत्र को एप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? जो हिंदी में से प्रार्थना पत्र कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपका हिंदी का पैटर्न है। पहले हम इसका पैटर्न देखेंगे कि प्रार्थना पत्र हमने लिखना कैसे है। पहले आएगा सेवा में प्रधानाचार्य जी, मतलब हम पहले किसे लिख रहे हैं? पहले उसे लिख रहे हैं हमें सेवा, सेवा में पहले हमने सेवा पे लिखना है हमें प्रधानाचार्य, मतलब हम ये किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल से हैं, ठीक है? तो हमने प्रधानाचार्य जी नेम लिखना है, फिर हमने अपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे एवियर कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है? और ये कहाँ पड़ता है? उस शहर का नाम, ठीक है? जैसे माछीवाड़ा साहिब, ठीक है? और विषय कौन सा है? विषय कौन सा है हमारा? ये अविकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय आपने जरूर लिखना है, ठीक है? विषय लिख के आपने ये डॉट लगा के लिखना है, अविकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है बच्चों? ये इसका फर्स्ट पार्ट जो आपने लिखना है, उसके बाद महोदय, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपने ये धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है? ये धन्यवाद लिखना है, फिर आपका आज्ञाकारी, फिर आपने नेम, कक्षा और दिनांक, ठीक है? दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है और अपना नेम लिखना है। बच्चों, इसका टॉप और डाउन पार्ट, ये दोनों चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले सेवा में हम किस में लिख रहे हैं, ठीक है? सेवा में किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को। स्कूल ने कहाँ? एवियर कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ है? माछीवाड़ा साहिब। विषय कौन सा है? किसके लिए लिख रहे हैं? अब अविकाश हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं महोदय जी, ठीक है? क्या लिखेंगे बोले? स्वीकृत निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी का छात्र हूँ। बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी का छात्र हूँ। जो बच्चे, मतलब मैं चौथी क्लास का, आपका स्कूल में चौथी क्लास का विद्यार्थी हूँ। आपने पहले अपनी क्लास लिखनी है कि मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ। जो लड़के हैं वो लिखेंगे, मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी का छात्र हूँ। जो बॉयज है ना, वो लिखेंगे का छात्र हूँ। और जो लड़कियाँ हैं वो लिखेंगी कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी की छात्रा हूँ, ठीक है? चौथी की छात्रा हूँ, ये लड़कियाँ लिखेंगी। ये लाइन आपने बतानी ही है कि मैं आपके स्कूल में चौथी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे कल अचानक बुखार हो गया है। हमने सिर्फ छुट्टी के लिए हमने वो लेनी है, छुट्टी लेनी है हमने स्कूल्स के लिए, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ये बताना है हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं, कितने दिनों की हमें छुट्टी चाहिए, वो हमने प्रिंसिपल से बताना है, ठीक है? क्या कहेंगे? मुझे कल अचानक बुखार हो गया है जिस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता। मुझे कल अचानक बुखार हो गया है
जिस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता। बॉयज लिखेंगे सकता और गर्ल्स लिखेगी स्कूल नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, आ सकता हूँ बॉयज लिखेंगे, आप गर्ल्स लिखेंगे नहीं आ सकती हूँ। उसके बाद इसीलिए आप मुझे दिनांक 1 मई 2021 से 3 मई 2021 तक 3 दिनों की छुट्टी या अवकाश, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो, या छुट्टी लिख सकते हो या अवकाश लिख सकते हो, 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसमें हम प्रिंसिपल को छुट्टी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस भी मैं ना मुझे कल बहुत तेज बुखार हो गया जिस कारण मैं क्या है स्कूल नहीं आ सकता या सकती हूँ, इसलिए आप मुझे दिनांक कितने दिनों की, 3 दिनों की दिनांक भी लिखनी है, 1 मई से 3 मई तक 3 दिनों की अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, या तो आप अविकांश लिख सकते हैं या आपको छुट्टी लिख सकते हैं, देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। बॉयस लिखेंगे इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, गर्ल्स लिखेंगे इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, धन्यवाद, लास्ट में आपने धन्यवाद कहना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या कहना, अपने बारे में बताना है। ठीक है, आपका बॉयज लिखेंगे आपका, गर्ल्स लिखेगी आपके आज्ञाकारी। ठीक है, उसके बाद नेम, अपना खुद का नेम आपने लिखना है। ठीक है, जो ये पत्र आप लिख रहे हो, जिस लिख रहा है वो आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपने नेम लिखना है। ऊपर आप किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य जी को। ठीक है, ये प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वहाँ आपने प्रिंसिपल और स्कूल का और शहर का नाम बताना है। विषय कौन सा है हमारा, अविकांश हेतु। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हमने छुट्टी किसके लिए लेनी है। निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 4 का या की छात्रा हूँ, मुझे कल अचानक बुखार हो गया है जिस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता या सकती हूँ, इसलिए आप मुझे देना 1 मई से 30 मई तक 3 दिनों की छुट्टी या अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद लास्ट में आपने धन्यवाद, धन्यवाद के ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आपने धन्यवाद जरूर कहना है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी। नेम, अपना खुद का नेम, कक्षा कौन सी क्लास में लिखनी है, आपने कक्षा बतानी है अपनी 4। ठीक है, उसके बाद दिनांक, दिनांक कौन सी डेट आप ये लिख रही हो वो दिनांक आपने बतानी है। ओके बच्चों, होप बच्चों कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।